हेलो गाइस, वेलकम टू अमृताज रेसिपी जंक्शन। आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। तो चलिए, आज इसी अवसर पर हम एक बहुत ही अच्छी डिश बनाने वाले हैं। उसका नाम है थेकवा। एक स्वीट डिश है, ये नॉर्थ इंडिया में बहुत ही पॉपुलर डिश है और इसे त्योहारों में बनाया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक कप करीबन आटा लिया है, रेगुलर आटा है गेहूँ का। एक कप रवा लिया हुआ है, एक छोटी कटोरी कसा हुआ नारियल, सूखा नारियल, कुछ ड्राई फ्रूट्स क्रश किए हुए हैं। यहाँ पे मैंने घी गरम करके रखी हुई है और ये चीनी और इलायची का पाउडर बना के रखा हुआ है। तो चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले हम इस आटे को इस बाउल में डालेंगे, रवा को डालेंगे, ऐसे तरीके से आप सभी इंग्रेडिएंट्स को आप इसमें डालते जाइए। ड्राई फ्रूट्स क्रश किया हुआ भी डालना है। मैंने यहाँ पे घी गरम करके रखा है, वो इसमें डालूंगी। इससे हमें अपनी जो ये डिश है बहुत ही खास्ता बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है। और उसके बाद ये जाएगा चीनी और इलायची का पाउडर। चलिए, तो हमें इसे अभी मिला के इसका डो बनाना है। इसे सख्त बनाना है, इसे आटे के तरह पूरी तरह से नहीं डो बनाना है, बाइंड होने तक आपको इसे अच्छे से बनाना है। पानी मिलाते जाइए और हल्का होने तक उसे इसे मिला के जाइए, बाइंड होने तक आपको इसे बनाते जाना है। देखिए, इस तरह से मैंने मलाया हुआ है, यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने मला है। आप इसको इस तरह से हाथ पर रब करके और इसको मलते जाइए अच्छे से। ऐसे रब करिए अपने दोनों हाथों में, इसके पाम में रख के, और इस तरह से उसको मलते जाइए। देखिए, मैंने इस तरह से इस आटे को बना लिया है, इसे अच्छे से ऐसे इस तरह से बाइंड हो जाता है। इसी तरह से आपको ये बनाना है। अब मैंने इसे पहले गोल आकार बनाया है, इस पे दोनों हाथ में पाम में रख के आपको इस तरह से इसे फ्लैट करना है। पहले ये ज्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, इस तरह से यहाँ पे मैंने बनाया। अब आप मैंने यहाँ पे एक कुछ डिजाइन बनाने के लिए फोक लिया हुआ है और ये कद्दूकस करने वाला ये भी लिया हुआ है। तो मैं सबसे पहले फोक यूज करूंगी। इसका अलग साचा भी मिलता है लेकिन अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं इस तरह से बनाऊंगी। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ये डिजाइन। चलिए, अब हम इसे यूज करके देखते हैं। आप अपने पसंद से इसे शेप दे सकते हैं लेकिन ये फ्लैट होनी जरूरी है, इसे भी मैं इस तरह से फ्लैट करूंगी पहले। उसके बाद मैं इसको इस तरफ से फेस करके इसका डिजाइन, देखिए ये भी बहुत ही बढ़िया डिजाइन लग रही है। इसी तरह से आप सभी डिजाइन ऐसे ही बनाते जाइए और एक तरफ तेल गरम करने रख दीजिएगा। चलिए हम बनाते हैं अब शेप्स। देखिए, मैंने इस तरह से ये चार शेप्स बना लिए हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो मैंने यहाँ पे तेल गरम करने रखा है, इसे धीमे आंच पे ही आपको फ्राई करना है, ज़्यादा फास्ट गैस पे नहीं रखना है क्योंकि हमारा जो आटा है वो अंदर से पूरी तरह से अच्छे से पक जाना चाहिए। तो चलिए हम डालते हैं। ये बहुत ही अच्छी डिश है, बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है। आप इसी तरह से इसे फ्राई करिए। देखिए, तो इस तरह से ये मैंने धीमे आंच पे इसे फ्राई कर लिया है। इस तरह से दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन होने तक आप फ्राई करें, जलाए ना, हल्का रोस्ट रेडिश होना चाहिए। ये बन गया है ऑलमोस्ट। अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से ये मैंने फ्राई करके एक सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन भी लग रहा है। तो चलिए, इस दिवाली आप हम तो ये सारा करंजी, शंकरपाड़ी और बहुत सारे स्वीट डिशेस बनाते हैं, तो इस बार आप ये ज़रूर ट्राई करके मुझे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। और बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है, तो प्लीज़ 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 इसे घर पे बनाइए और मुझे कमेंट करके, लाइक करके, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली।